दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेन पार्ट में कहाँ घूमेंगे? अभी हम लोग जाएंगे दलदली। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा क्योंकि मेन पार्ट में जहाँ जहाँ घूमने का सब कुछ वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं मेन पार्ट जाके दलदली जाएंगे, दलदली, टाइगर पॉइंट और बहुत कुछ घूमने के लिए है यार। तो सारा जगह आप लोगों को घुमाएंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, रेड कलर के आइकन को प्रेस कर लेना और ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेस के जगह आप लोगों को घुमाते रहेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो इस वक्त है हम लोग अभी पेट्रोल पंप में, पेट्रोल डलवा लेते हैं उसके बाद निकलेंगे। तो भाई अगर लोकेशन की बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं तो महादेव डांड साइड से आया, सीतापुर से होते हुए काफ़ी है यार इधर। एक तो बतौली से आ सकते हो अंबिकापुर वाला रोड से, और इधर पत्थलगांव साइड से भी आ सकते हो। आप जिधर से आना चाहते हो आ सकते हो, जो आपका लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रूट से आ रहे हो। तो आप लोग सीतापुर आ जाइएगा, सीतापुर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, उसके बाद चार से पाँच किलोमीटर, उसके बाद डायरेक्ट मेन पार्ट वाला रास्ता मिल जाएगा रोड, उसी में से आप लोग चले जाइएगा। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी दलदली, सुदर्शन और मानस गए हैं आगे, तो दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा, एक नज़ारा दलदली में। पता नहीं यार कौन सी जगह को दलदली बोलते हैं, तो कहाँ यही है दलदली। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा, अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को दलदली, दलदली क्या है कि जोबली है। यहाँ देख सकते हो छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यटन स्थल, यही है दलदली। जलजली एक प्राकृतिक धरोहर है, इसकी रक्षा करें। पर्यटन स्थल दलदली में साफ सफाई बनाए रखें। पर्यटन स्थल जलजली को किसी भी प्रकार के नुकीले हथियार से ना खोदें। तो गाइस अभी हम लोग दलदली दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये जो देख रहे हो सुदर्शन और मानस दलदली का मज़ा ले रहे हैं, पूरा यहाँ का जमीन हिल रहा है। तो देख सकते हो इसी को हम इतने दूर से देखने आए हैं, बेसब्री से इसी का इंतजार था। हिला के दिखा रहे, पूरा जमीन हिल रहा है आप लोग देख सकते हो। बारीकी से देखेंगे तो अभी समझ में आएगा आप लोगों को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देख सकते हो पूरा जमीन हिल रहा है। और हिला देख सकते हो यहाँ तक हिल रहा है। तो यार मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ भी हिल रहा है और वहाँ भी हिल रहा है। सही है मामा, ये जलजली है या फिर जोबली बोलते हैं यार हम लोग के साइड में। तो ये देख सकते हो इतना बड़ा एरिया है, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक हिलता है वो तो पता नहीं है, लेकिन पूरा जमीन हिल रहा है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, अभी आप लोगों को और दिखाते हैं। यार यहाँ पे जब ऐसे हिलने लगोगे ना तो ऐसा लगता है पूरा स्प्रिंग फिट है नीचे। तो देखते हैं यार घूम घाम के, गर्मी में बनता है तो नहीं हो वैसे। इधर हिल के देख, इधर नहीं हिलता है, अभी हिलता है भाई। एक बात बोलो, मैं सब जगह हिलेगा, बाकी है कि बरसात का मौसम है ना तो उछल उछल के तरकने नहीं बन रहे हम लोग को, देखना इधर कम हिलता है। तो और हम लोग घूम के देखते हैं और पता करते हैं कहाँ कहाँ पे हिलता है उसको, वहाँ सब हिलता है। तो इधर तो यार पूरा घूम फिर के कीचड़ कीचड़ कर दिए हैं, लगता है ये इलाका पूरा हिलता है। तो वीडियो पे बने रहिएगा और दलदली का मजा लीजिएगा, आप लोगों को दिखाते हैं। पत्थर रहेगा यहाँ तो हिलेगा, इधर पे देख भाई तम तम हिल रहा, मजा आ जाता है यहाँ ना हिलने वाला है। ये देख पूरा जमीन हिलता है भाई, अंदर घुसने लागल यार। वीडियो बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे दलदली देखना, दर्शन लेने के लिए, मजा लेने के लिए।
पूरा जमीन हिलता है यार, तो देख सकते हो पूरा जमीन हिल रहा है पूरी तरह से। यहाँ जहाँ की मैं खड़ा हूँ वहाँ भी हिल रहा है। हम अंदर खुश भी नहीं रहे, बोला हिलावे हिला चप्पल चप्पल कर यार। चल सुधर हिला भाई, देख सकते हो इन लोग हिला रहे हैं, ये जमीन भी हिल रहा है। अगर इन लोग यहाँ खड़े हैं तो यहाँ तक हिलता है, देख सकते हो। यहाँ डाल के देख सकते हो आप लोग, यहाँ डाल के देख पूरा घुस जाएगा इधर, ये देख घुस रहा है। क्या करे भाई, कुछ नहीं है देखने के लिए, चलो क्या करना है, चलना पड़ेगा। वो आगे साइड घूमेंगे थोड़ा, झरना वरना का हम लोग को देख देख के चलना पड़ेगा। कहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे इन लोग दो कार लेके आए हैं, तो हम लोग का हो गया यहाँ पे दलदली, देख लिया। अब चलते हैं झरना के साइड, झरना के साइड देखते हैं वहाँ भी जाके वहाँ का कैसा रौनक है। जलजली का नज़ारा, यह है सीढ़ी, अभी हम लोग का हो गया, तो हम लोग अभी जा रहे हैं झरना के साइड, तो वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ चढ़े करके कितना लेते हैं यार? है गाइस, तो देख सकते हो यार आप लोग, यहाँ पे बाइक वाला राइडिंग है, तो इसमें हम लोग राइड करना चाहते हैं यार, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। वीडियो को बने रहेगा क्योंकि काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, अभी राइड करना है हम लोग को। भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कार रेसिंग वाला है, तो इसमें हम लोग अभी ट्राई करेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार इसकी प्राइस की बात करें तो 100 रुपये कह रहे हैं, लेकिन अभी बोनी नहीं हुआ है बोले, इसीलिए 50 रुपीज़ की बात कर रहे हैं। तो पता नहीं यार इन लोग ज़्यादा ही ले रहे हैं शायद, देख लीजिए भाई यार ज़्यादा दूर इन लोग चलाने नहीं देते हैं, वो भी 5-10 मिनट में 50 रुपये ले रहे हैं, तो यार थोड़ा महंगा पड़ रहा है। तो देख लीजिएगा, अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो यूज कीजिए यार, आए हो यार इन्जॉय करके ही जाना, क्योंकि बहुत बेस्ट लगा मेरे को। और घोड़ा का भी प्राइस आप लोगों को पता होगा 50 रुपीज़ है, तो आप लोग दोनों अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है यार, ज़बरदस्त होने वाला। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को कि क्या खूबी है इसमें और क्या नहीं है। तो मुझे तो यार बहुत मज़ा और बहुत हैप्पी हूँ यार आज, बहुत ज़्यादा खुश भाई। मैं सोचा नहीं था कि यार, सोचा तो था कि घोड़ा में कभी सवारी करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं घोड़ा का सवारी भी कर लिया यार, लेकिन यार बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यार देख लीजिएगा अपने लोग तो पता है कि कैसे चलाना होगा। मैं तो सोच रहा था यार गिरने वाला था यार, लेकिन हाथ को पकड़ा था इसीलिए बच गया। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आया यार, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है मुझे आज। चलिए वीडियो पे बने रहिएगा, अभी घोड़सवारी भी करना है मुझे, क्योंकि पहले तो बाइक रेसिंग कर लेता हूँ, उसके बाद घोड़सवारी करना है। तो चलिए यार, लेकिन भूख भी लगा है, देखते हैं नाश्ता पानी क्या मिलता है। तो भाई देख सकते हो मैं अभी राइड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि यार इस राइड की बात नहीं यार, अगर आप लोग करना चाहते तो कर सकते हो, मज़ा आ गया भाई। तो ये है सुदर्शन, देख रहे हो मेरा दोस्त है। तो यार अब मेरा तो हो गया राइड, अब घोड़ सवारी ये कर रहा, तो यार काफ़ी मज़ा आ रहा, क्योंकि ये देख सकते हो कितना खुश है बंदा आज घोड़ सवारी में यार। इसका क्या बोलूं यार, बहुत ही मज़ा आया। तो 50 रुपीज़ में आप लोगों को भी यूज करना चाहिए, अगर देख लो अगर हो सकता है तो यार काफ़ी मज़ा। तो भाई प्राइस की बात कर रहा है तो हर बंदा के 50-50 रुपये, 50 रुपीज़ की बात हुआ है, तो चलिए मज़ा आ गया। तो भाई यहाँ पे खाने के लिए नाश्ता में मिला है मैगी, तो यार थोड़ा महंगी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है। अगर आप लोग यार
भूख लगेगा तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन 40 रुपये प्लेट बोल रहे हम तो यार काफ़ी टेस्ट है। यहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं है खाने पीने हो के लिए, तो देख सकते हो अगर आप लोग लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो, काफ़ी मज़ा आया खा के। और यहाँ देख सकते हो जलजीरा। आई होप आज का मेरा ये मेन पार्ट वाला ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा यार, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो आप लोगों को यहाँ का वीडियो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम ये दलदली वाला वीडियो है। तो यार यहाँ काफ़ी मज़ा आया घूम के, अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो, यहाँ पे पिकनिक उकनिक पार्टी वार्टी सब कुछ करने की सुविधा है। अगर आप लोग आके मेन पार्ट में रहना चाहते हो तो रुक भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारे सुविधा उपलब्ध है। तो यार मज़ा आ गया मेरे को यहाँ आके, बहुत खुश हूँ मैं। यहाँ पे देखे आप लोग घोड़ा से भी आप पैर कर सकते हो, और ये रेसिंग वाला बाइक है उसमें भी आप वो कर सकते हो। इसका बता दूँ आप लोगों को, इसका किराया लिया 50 रुपीज़। तो काफ़ी मज़ा आया यार, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। खाने पीने की व्यवस्था भी है, लेकिन खाने पीने की थोड़ा सा व्यवस्था अच्छे से नहीं है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो मिले मैगी मिलता है, लेकिन वेस्ट यार, खा के बहुत ही मज़ा आया। तो चलिए यार वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो अभी आने वाला है मेरा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अच्छे रहिए।